हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. टुडे वी विल सी अ पोएम फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड. द फर्स्ट पोएम, अ टीनेजर्स प्रेयर. ये जो पोएम है ये एक प्रेयर है जो कि हर एक टीनेजर गॉड से करता है. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इससे हेल्प मिल सके उनकी पढ़ाई करने में. तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं पोएम को. पहले तो हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग. डिसीजंस आई मस्ट मेक. आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक. आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ That leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. This poem is written by J. Morse. The poet name is J. Morse. तो चलिए फिर हम इसका explanation देखते हैं. Line by line, I will explain the meaning of this poem. फर्स्ट स्टैंजा, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग. पोएट यहाँ पर हमें कहते हैं कि हर नया आने वाला दिन एक नई शुरुआत लेके आता है. डिसीजंस मस्ट आई मस्ट मेक, और मुझे यानी कि टीनेजर को हर दिन आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं. आई एम द ओनली वन टू चूज, और हर किसी की ज़िंदगी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो खुद, मतलब मैं जैसे कि टीनेजर है तो वो कहता है कि मुझे ही डिसाइड करना है, मुझे ही चूज़ करना है कि मैं किस रास्ते पे चलूँ, किस राह पर चलूँ. द रोड दैट आई विल टेक, कौन सी राह पर हमें चलना है, क्या करना है, ये हमें ही खुद को डिसाइड करना पड़ता है. आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ. टीनेजर कहता है आगे कि मैं लाइफ, जिंदगी की राह पर चल सकता हूँ. दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जिससे मुझे ज़िंदगी में कामयाबी मिल सके. और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जो कि रास्ता मुश्किल भरा है या अंधेरी राह पर चलना है, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ. और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड, डार्कन्ड मतलब ईविल, जो बुरे चीज़ें होती है, ऐसे रास्ते पे भी हम चल सकते हैं. लेकिन ऐसे अगर बुरे रास्ते पे, गलत राह पर आप चलोगे तो आगे चलकर क्या होने वाला है, दैट लीड्स टू ग्रेट, मतलब आपको आगे चलकर निराशा होने वाली है, पछतावा होने वाला, अगर आप अभी गलत राह पर चलोगे तो. ओके, डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट वरी और एंड स्ट्रेन. आगे चलकर आपको जहाँ पर कुछ काम करने के बाद हमें जैसे पछतावा होता है, तो जैसे वैसे ही गलत काम करने के बाद आपको पछतावा हो सकता है. तो ऐसे राह पर हमें नहीं चलना है, हमें ज़िंदगी की अच्छाई पे अच्छाई करनी है, अच्छे राह पर चलना है. आगे देखते हैं. प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी. और टीनेजर गॉड को प्रे करता है कि मेरी आंखें खोल दो, हे भगवान मेरी आंखें खोल दो ताकि मैं अच्छे से देख सकूं. हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, और मेरी मदद करो कि मैं जो सही है उसी का साथ दूं. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मुझ में जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें आप बाहर निकालो. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, और ऐसे समय पर जब मुझे कुछ, मतलब जैसे व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स अ स्ट्रांग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग. हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती है कि कुछ करना है, लेकिन अगर वो गलत है या वो सही नहीं है जो हम करना चाहते हैं, तो ऐसे समय पर हमने क्या करना चाहिए, उसे मना कर देना चाहिए, उस वो काम नहीं करना चाहिए जो गलत है. तो इसीलिए टीनेजर लॉर्ड यानी कि गॉड से, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे ना कहने की ताकत दो, सिर्फ ना कहने की.
जब कोई ऐसे बुरे काम करने के मारा का मेरा मन होता है तो मैं उसे ना कह सकूं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, और मैं मेरे शरीर को साफ सुथरा रख सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ, ईच डे, हर दिन मैं मेरे शरीर को तंदुरुस्त रख सकूं, अच्छा रख सकूं हर दिन। व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर, और मुझे पता है कि जब मेरे टीनेज ईयर्स मतलब कौन से ईयर्स हैं, टीनेज मतलब जो यहाँ पे टीन आता है, 19, 18, 17, ये टीनेज ईयर्स हैं। 13 से लेके 19 तक के जो ईयर्स हैं वो टीनेज ईयर्स होते हैं। आई नो दैट आई विल सी, मुझे पता है जब मेरे टीनेज ईयर्स ख़त्म होंगे तो मुझे पता है मैं क्या करूँगा। दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि जो भी मैंने टीनेज ईयर्स बिताए हैं वो सबसे मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे ईयर साल हैं। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और इन सालों में तुम मुझे राह दिखा रहे थे। हे भगवान, हे गॉड, डियर लॉर्ड, यू आर शोइंग मी द वे टू मूव अहेड, आगे चलने के लिए भगवान गॉड रास्ता दिखाता है, ऐसे पोएट जे मोर्स हमें कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मेरे इस चैनल को A to Z Solutions चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।